हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे ना कि सी की साउंड कभी क होती है और कभी स होती है, ऐसा क्यों होता है। देखिए, क्या है ना कि ये प्रॉब्लम तो मेरे बच्चे की है, क्योंकि इससे पहले जब मैंने अपने बच्चे को फोनिक्स पढ़ाया था ना, तो उसमें बच्चे को मैंने बताया था कि सी की साउंड क होती है। लेकिन एक दिन मैंने जब अपने बच्चे को सी फॉर सिटी पढ़ाया ना, तो उसमें सी की साउंड जो है मैंने बच्चे को बताया कि स होती है। इस पर मेरे बच्चे का क्वेश्चन था कि मम्मा, आपने इससे पहले तो मुझे सी की साउंड जो है वो क बताया, आज स क्यों? तो मुझे ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे बच्चे की नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत से बच्चों की होगी, इसलिए उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि सी की साउंड कब क होती है और कब स होती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या वजह होती है कि सी की साउंड कभी क हो जाती है और कभी स हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जो ये लेटर सी है ना, इसको हम कभी क बोलते हैं और कभी श बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके दो साउंड्स होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड में इसे हम बोलते हैं क और सॉफ्ट में बोलते हैं इसे स। जनरली जो स्कूल में होता है ना, वो बच्चों को ये सिखाया जाता है सी फॉर क, बट सॉफ्ट साउंड की कंडीशन क्या होती है? जब भी सी के बाद आई, ई एंड वाई, ये तीनों लेटर अगर आते हैं सी के बाद, तो वहां पे हम इसे स प्रोनाउंस करेंगे। और इसके बाद, सी के बाद कुछ भी आता है इन तीनों को छोड़कर, तो हम क्या बोलेंगे? सी के बाद यदि ए आए तो हम क्या पढ़ेंगे? क्योंकि ये इन तीनों में से कोई नहीं है, तो यहाँ पे इसकी साउंड होगी क। सी ए टी, कैट। सी ओ टी, इन तीनों में से कोई नहीं है, तो यहाँ पे भी इसकी साउंड होगी क। सी ओ टी, कॉट। सी यू टी, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ई वाई आई में से कोई नहीं है, तो यहाँ भी सी की साउंड क्या होगी? क। सी यू टी, कट। अब आते हैं इधर साउंड श की तरफ। अगर सी के बाद हमने कहा कि आई ई वाई में से कोई भी होता है, तो उसकी साउंड क्या होगी? श। तो यहाँ पे देखिए, सी के बाद क्या है? ई, ये वाला लेटर है, तो होगी यहाँ पे इसकी साउंड श। यहाँ पे इसकी साउंड क्या होगी? क। यहाँ भी आप देख रहे हैं सी के बाद क्या है? आई, तो यहाँ पे भी इसकी साउंड श ही होगी। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम देखेंगे जिसमें स भी होगा एंड क भी होगा, मिक्स एग्जाम्पल। जैसे साइकिल, साइकिल। यहाँ पे आप देखिए, जो ये है ना, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? श, क्योंकि सी के बाद क्या है? वाई है। और यहाँ पे हम बोलेंगे क, सी के बाद क्या है? एल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सर्कल, सी आई आर सी एल ई, सर्कल। अब आप यहाँ भी देखिए, जो ये सी आई है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? आई है ना ये वाला, तो यहाँ पे हम बोलेंगे स। अब ये वाले में क्या है? सी एल है, सेम इसकी तरह, तो यहाँ पे बोलेंगे क। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना, तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं ना, या फिर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको अगली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर होगी और इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।